अगर आप भी चाहते हैं माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली से जुड़े रहने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्ते प्रणाम, मैं हूँ मनीष कुमार राइटर माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली से। जी हाँ दोस्तों, हमेशा उपस्थित होता हूँ कुछ ना कुछ बातों को लेकर, कुछ ना कुछ खबरों को लेकर और कुछ ना कुछ कलाकारों को लेकर। हमारे यहाँ नए हो या पुराने हो, स्टार हो या बिल्कुल नया कलाकार हो, सब लोगों को मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों से रूबरू करवाता रहूं, आप लोगों के बीच में लेकर आऊं और आप लोगों से उनको आशीर्वाद दिलवाता रहूं। तो दोस्तों आज हमारे बीच में ये पश्चिमी चंपारण बगहा से हमारे समक्ष दो लोग आए हुए हैं। ये दोनों जो हैं अभी पहली बार इन्होंने गाना यहाँ पर गाया है और हमारे स्टूडियो में आए। बगहा पश्चिमी चंपारण जो कि पहले बेतिया जिला में पड़ता था, बेतिया से कट के बगहा अलग हो गया है ना जी, बगहा जिला हो गया है और बगहा से चलकर यहाँ पर आए हमारे पास माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली में इनका रिकॉर्डिंग हुआ है यमुना म्यूजिक भोजपुरी के लिए। और यमुना म्यूजिक भोजपुरी से जो है इनका दो ऑडियो दो वीडियो रिलीज हो रहा है और साथ में हमारे बैठे हुए इनके साथ इनके मित्र हैं। दोनों लोगों से इनका नाम रूबरू करवाता हूं और इन लोगों से भी पूछेंगे, इनकी कहानियां जानेंगे, इनके दुख सुख के बारे में जानेंगे, कहाँ से आए, कैसे आए, सब जानेंगे। बस तो सब लोग अपना नाम बताएंगे और कैसे आए, क्या हुआ, मतलब सब लोग बताएंगे। बारी बारी से मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और आप लोग बस वीडियो से जुड़े रहें, बने रहें, वीडियो को देखते रहिए, लास्ट तक देखा कीजिए। वीडियो को बीच में आप लोग छोड़ देते हैं, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि क्या पता किसके मुंह से क्या निकल रहा है, कैसी बातें हैं, सब समझने को सुनने को मिलता है। तो दोस्तों आप लोग जुड़े रहें माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली से। और आज हमारे समक्ष जो है ये बैठे हुए हैं मुकेश कुमार जी, इनका नाम मुकेश कुमार है और इनका नाम जो है अभिमन्यु अर्जुन है। तो अभिमन्यु अर्जुन है और ये मुकेश कुमार जी हैं, बगहा जिला से यहाँ तक आए हैं और इनका जो है दो ऑडियो दो वीडियो इनका बन के तैयार हो गया है। दो ऑडियो दो वीडियो इनका जो है 8,500 वाला जो ऑफर हमारे यहाँ चल रहा है उसका इन्होंने लाभ उठाया है और इनका सब काम फाइनल है। आज ये लोग अब गाँव जाने की तैयारी में है तो हमने सोचा कि चलिए आप लोगों से रूबरू करवा देता हूँ। तो दोस्तों आइए, सबसे पहले जो है मुकेश कुमार जी हमारे श्रोताओं से सबसे पहले आप आशीर्वाद लें, उनसे विनती कीजिए कि आपका गाना बहुत बढ़िया रहे। आइए मुकेश जी। नमस्ते भैया, जौन भी भारा बुरा गैला बानी सगी पौन भैया के देन बा, वार्ड नंबर 8 नारायणपुर घाट बागहा 2, वहाँ के कहनी के चल ते गाना गावे के तुरा हृदय बा ते ते गा सके ले, पैसा कौड़ी के दिक्कत हुई तो हम बानी तो वहाँ के गाना गवैले बानी, इलेक्शन में खड़ा हो तनी तो वहाँ के जितावे के बा, भारी मतों से विजयी बनावे के बा, वहाँ के गाना जोन जाई इलेक्शन के वो बहुत बढ़िया जाई, वो गाना हुई अपने के बिहार पर पवन भैया के ऊपर। तो ये बा कि हम जोन भोजपुरी गाना गैले बानी एगो होली गीत आ एगो लोक गीत, वो रउआ लोग अपन दुलार प्यार देम जाए तो आगे भी चैनल पर हम गाते रहे। ये जोन मनीष भैया की स्टूडियो बा बहुत बढ़िया बा, इसमें जो भी सिंगर आते हैं ना खाना पानी कुछ भी क्या दिक्कत नहीं होता है, ना शूटिंग में कोई दिक्कत होता है। आज काम कराओ कल रिकॉर्डिंग चालू, आज गाना बनेगा तो कल रिकॉर्डिंग चालू होगा। जो भी जहाँ से सिंगर आते हैं बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, बहुत बढ़िया से काम होता है। हम भी लोग यूट्यूब से देख के फोन किए थे इनके पास तो लोग बोले कि ठीक है लोकेशन भेज दे रहे हैं, आ जाओ, आए थे यहाँ पे बहुत, आज हम लोग जा रहे हैं। बाकी जो भी काम हुआ है बहुत बढ़िया से हुआ है। आज जो हम लोग का मददगार है वो सिर्फ पवन भैया हैं। पवन भैया ने बोले थे कि जाके गाना गाना चाहते हो तो गा सकते हो, तो यही निवेदन है कि बढ़िया से बढ़िया कलाकार आए और बढ़िया से बढ़िया गाएं और उसका बाद में जो गाना हो वो यहाँ से लाइक मिलेगा और जो बढ़िया से बढ़िया गाना गाएगा वो सुपर स्टार तो जरूर होगा, किसी ना किसी दिन तो बनेगा। जैसे पवन सिंह है, खेसारी लाल यादव है तो कोई सुपर स्टार थोड़ी हुए थे, ये तो लोग बढ़ाए तो कम जाकर हुए, सब लोग बनते हैं। तो ये पवन भैया के देन है कि जो आज हम काना रिकॉर्डिंग स्टूडियो से हम गाए हैं वो सब पवन भैया के देन है, उनको जिताना है। चलिए, पवन भैया जो है आपके आपके गांव के ही हैं जी? अच्छा, वो किसी इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं जी? वो इलेक्शन में खड़े होते हैं, चाहे कोई भी बात होता है तो जाते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं।
जैसे हमको उम्मीद नहीं था कि हम गाना गा पाएंगे जाके। अच्छा, वही ने बोले कि चलो पैसा की कोई दिक्कत नहीं है, तुम गाओ, हम है तुम्हारा पीछे। मतलब जो पवन भैया है वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी, मतलब हेल्प कर रहे हैं कि भैया उनको पता है कि आपके अंदर गाने की जिज्ञासा है, क्षमता है, तो आप गा सकते हैं, लेकिन पैसा से आप मजबूर हैं, तो पैसा वो सपोर्ट कर रहे हैं। जी, वो बोले कि भैया आप जाके गाइए, जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे, हेल्प कर रहे हैं। जी, चलिए, ऐसा भाई सहयोगी लोग बहुत अच्छे होते हैं कि आप लोग का सहयोग हो रहा है और आपके साथ हैं। अर्जुन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मन्नू जी, जितना गाना गाए वही पैसा भेजे हैं, अपने घर से भेजे हैं। अच्छा, वो लगाते हैं आपके पीछे जो है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो उनके लिए जो है, पवन जी के लिए मेरी तरफ से भी बहुत सारी बधाइयां हैं और शुभकामनाएं कि आप जिस इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, जिस भी पार्टी से हो, आप जीते और आपका जब कोई गाना बने तो आप दीजिए इनको गाना गाने के लिए, और आए हमारे स्टूडियो से रिकॉर्डिंग हो, माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली, यहाँ से रिकॉर्डिंग हो और बढ़िया आपका क्वालिटी जाएगा, बढ़िया रहेगा गाना। तो बस आप लोग जो है इनका सपोर्ट करते रहिए, इनको भी आगे बढ़ने का मौका देते रहिए। और हमारे बीच में है बैठे हुए अभिमन्यु अर्जुन जी हैं। अभिमन्यु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्ते, सादर सादर प्रणाम। और थोड़ा जोर से बोलिए। नमस्ते, सादर प्रणाम। हाँ, सबका आपका दुलार मिलते रहे ऐसे ही। गाना हम लोग गाते रहे। सबको सादर प्रणाम। वैसे मैं पहली बार आया हूँ गाने के लिए। अच्छा, मुकेश जी हैं जो हमारे दोस्त हैं, इन्होंने मुझे बार बार उकसाया कि चलो, नहीं चलो, चलते हैं वहाँ पे मनीष भैया के पास, वहाँ म्यूजिक अच्छा बनता है गाने के लिए, चलो वहाँ पे बनाएंगे अच्छे से। हम इनका बात सुनकर आए। कैसा लगा इनकी बात सुनकर आए आप तो यहाँ, कैसा लगा काम? बहुत बढ़िया होगा, शूटिंग हमारा भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चला ऐसे। आप लेकिन आप जिस तरह डर डर के बोल रहे हैं, पब्लिक को तो लगे है कि जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात ऐसा नहीं है, मतलब बढ़िया काम कराए हैं, ठीक लगा, नहीं हुआ। अच्छा, जो भी प्रत्याशी वो गाना गा सकते हैं। ऐसे ही हमारे गांव में बहुत लोग हैं गाने वाले जो हैं, बगहा में हैं। बहुत लोग हैं बगहा में। कहाँ आपका घर हुआ? कैलाश नगर। कैलाश नगर, दोनों लोग एक ही गांव के हैं? हाँ, एक ही गांव। या अलग अलग हैं? नहीं, एक ही गांव के हैं। एक ही गांव, कैलाश नगर आपका भी घर, इनका भी घर कैलाश नगर, पास ही में घर है। अच्छा, ऐसे बहुत। तो जैसे होता है कि गांव चिवार में कि कोई अगर गाना गा रहा है और थोड़ा कुछ आगे बढ़ना चाहता है, तो कई बार क्या होता है, गांव के लोग खींचते हैं, या पट्टी पट्टीदार लोग खींचते हैं, या दोस्त यार लोग खींचते हैं टांग पकड़ के, उसको उसके मनोबल को तोड़ते हैं। अरे क्या तुम गाना गाओगे, कहाँ पैसा फंसाओगे, क्या हो जाएगा, इतने गायक बन गए। तो ऐसा कुछ आप लोगों के भी लाइफ में है क्या, कोई आपको मनोबल को तोड़ने वाले, भड़काने वाले, ऐसा कुछ लोग आपके लाइफ में भी हैं? ऐसे में हमारे मुन्ना राइटर भैया हैं जो गाना लिखते हैं। हाँ, फागु बेदर्ती हैं। अच्छा, वो लोग सलाह देते हैं कि अच्छे से गाओ, अच्छे से परेष्टी करते रहना। अच्छा, वो लोग सलाह देते हैं, अच्छे से परेष्टी करते। कोई खींचने वाला टांग तो नहीं है? नहीं, कोई नहीं है, सबका, सभी कहते हैं अच्छे से रियाज करते रहना, जरूर गाना आगे जरूर बढ़ोगे। सबसे निवेदन है हमारा की निवेदन है। आप मुकेश जी, हम तो यही कहेंगे कि जो भी हम लोग का गाना सुने, खराब हो बढ़िया हो, बाकी जो स्टूडियो से गाना गया है उस सबसे सुपर स्टार होते गया, जैसे पवन सिंह हो गए, खेसारी लाल यादव हो गया, शशि भैया हो गए, धड़कन धनंजय हो गए, आदेश प्रेमी हो गए, कोई कलाकार जरिए से नहीं बन के आता है, गाते 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 गाला खुलते गया तो लोग आज कलाकार बढ़िया हो गए हैं। इसी तरह से हम भी लोग गाएंगे, कोई मार्केट में गाना अगर सुपर स्टार हो जाएगा तो हम भी वो कदम तक ले पहुंच जाएंगे जहां तक वो लोग हैं, तो हौसला छूट नहीं करेंगे। अरे एक गाना डिफरेंस होगा, दो गाना डिफरेंस होगा, बार बार थोड़ी होते जाएगा, इतना हम कोशिश करेंगे। जब आंकड़ा पर पहलवान चढ़ जाते हैं तब उनके पता लगता है कि आंकड़े में कितना दम होता है, कितना दम है। तो एक बार पटकाएंगे, एक बार पटकेंगे, अरे हमेशा पैसा थोड़ी जियान करेंगे, कभी तो कभी। जैसे हमारे थोड़ा जोर से बोलिए। जैसे हम यहाँ रहते हैं, हाँ, वहाँ काम करते हैं, बहुत सारे बंदे हैं हमारे भैया है। अच्छा, जैसे हैं भगराती भैया, पप्पू भैया, बुक्कल भैया, मोहन भैया, ये सभी का प्यार दुलार है। उन लोग बोले कि रियाज करते रहो, अच्छे से गाओ, जरूर जाना स्टूडियो में गाने के लिए। उन्हीं का सब प्यार है, ऐसे
सब गांव वाले लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपके जो है इसमें है। तो चलिए ये लोग तो खुश हैं, यहाँ आने के बाद इनका काम हो गया, ऑडियो वीडियो बन गया यमुना म्यूजिक भोजपुरी के लिए। 8,500 वाला इनका प्लान था, 8,500 वाला उनका था, और दोनों लोगों का वीडियो अच्छा हो गया, गाना अच्छा हो गया, और ये लोग आज जा रहे हैं। इनका सारा काम यहाँ पे अब खत्म हो चुका है, अब ये लोग गांव जा रहे हैं, फिर गांव से 10 दिन 15 दिन 20 दिन या जब भी आना होगा जब भी आएंगे फिर गाएंगे। बस आप लोग भी जुड़े रहे चैनल के साथ और देखते रहिए। ज्यादा जानकारी के लिए माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली सर्च कीजिए यूट्यूब पर, हमारा चैनल आ जाता है, चैनल के पूरे उसमें जाइए, डिटेल देखिए कैसे यहाँ रिकॉर्डिंग होता है पूरा। हम लोग लाइव भी डालते हैं, इंटरव्यू वगैरह भी डालते हैं, जितने हमारे सिंगर आते हैं सब लोगों का लाइव और वो बनाकर हम लोग डालते रहते हैं। तो आप लोग भी जुड़े रहें, अगर गाने के इच्छुक कितने कई लोग होते हैं जो गांव में उनको कोई नंबर कॉन्टेक्ट नंबर नहीं मिल पाता है, वो लोग नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप लोग जो है हमारा नंबर नोट कर लीजिए, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, डायरेक्ट मेरे से बात होगी 7827813707। ये मेरा जो है कॉलिंग नंबर है, डायरेक्ट मुझसे कॉन्टेक्ट होगा इस नंबर पे, मैं खुद उठाता हूँ ये फोन। और माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली में आइए, रिकॉर्डिंग यहाँ पे भी सस्ता ऑफर भी चल रहा है, 5,500 रुपए में 2 ऑडियो 1 वीडियो, 8,500 में 2 ऑडियो 2 वीडियो हो रहा है, ये यमुना म्यूजिक से होता है। और बाकी जो है 7,000 में 1 ऑडियो 1 वीडियो होता है, RCM म्यूजिक रिलीज करवाते हैं, रिया से होता है, जेके यादव से होता है, 10,000 में होता है 1 ऑडियो 1 वीडियो, बेब म्यूजिक से रिलीज होता है, कई हर तरीके का काम यहाँ पे होता है, छोटे से लेकर बड़े तक का काम होता है। तो बस आप लोग चैनल से जुड़े रहें, बने रहें और आते रहिए माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली में, आप सभी का स्वागत है। चलिए हमारे साथ जो है अभिमन्यु अर्जुन हैं और मुकेश कुमार जी हैं, हम तीनों एक साथ आप लोगों से विदा चाहते हुए, जय पूर्वांचल, जय बिहार, जय माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।